छात्र संघ के चुनाव नतीजे में जयपुर में महाराजा कॉलेज में भी चुनावों के बाद तस्वीर अब साफ हो चुकी है। यहां छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। बता दें कि महाराजा कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर संदीप गुर्जर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर गोविंद, महासचिव पद पर सार्थक, संयुक्त सचिव के पद पर अतुल शर्मा निर्वाचित घोषित हुए। महाराजा कॉलेज के प्राचार्य एसके गुप्ता ने बताया कि चुनाव के नतीजे शांतिपूर्वक घोषित किए गए हैं। इसके बाद विजेता प्रत्याशियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये भी जानकारी के लिए बता दें कि महाराजा कॉलेज में अपेक्स पद पर 1311 वोट डाले गए थे। अपेक्स पदों के लिए 61.6% वोटिंग हुई थी। जीत के बाद प्रत्याशियों में खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। महाराजा कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष पद पर संदीप गुर्जर निर्वाचित हुए। संदीप, छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी होती है, एक छात्र नेता के रूप में विजयी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? सब धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले मैं मेरे सभी टीम के साथियों को, ये जीत मेरे टीम के साथियों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया कि रात दिन अपना पसीना इस महाराजा महाविद्यालय की सरजमीन पर फैलाया है। उनके लिए ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी टीम की जीत है, मेरे गुरुजनों की जीत है और मेरे सभी साथियों की जीत है, जिन्होंने एक एक वोट देकर मेरी जिंदगी को, नई जिंदगी की शुरुआत आज की है। सी मांगे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़े थे, अब आपकी प्रमुखता रहेगी? साहब, मेरी प्रमुख मांगे महाराजा महाविद्यालय की, सबसे प्रमुख मांग सभी पार्टियों से, संगठन से छोड़कर, जो महाराजा महाविद्यालय की जमीन भूमि अधिग्रहण का मामला है, इसके लिए संदीप गुर्जर पहले अध्यक्ष बनने से पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि महाराज मेरे खून का कतरा कतरा इस सड़कों पे बह जाए। महाराजा की एक भूमि की जमीन के लिए मैं यहाँ एक इंच जमीन नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमेशा यहाँ पे खड़ा रहूंगा। सरकार से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, संदीप गुर्जर यहीं मिलेगा। और सभी साथियों से विश्वास दिलाता हूँ, जो काम, जो आशा मुझ पर उन्होंने की है और मत मुझे दिए हैं, उनके लिए हमेशा आधी रात को भी संदीप गुर्जर को याद करेंगे। तो ये संदीप गुर्जर आपके साथ खड़ा है, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। चाहे मेरे शरीर की चमड़ी की जूती भी उनको पहरा दूं, तो उन टीम के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता, जिन्होंने पसीना यहाँ के महाराजा की सरजमीन पर फैलाया है। उपाध्यक्ष पद पर गोविंद निर्वाचित हुए। गोविंद, क्या चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा था और आज आपने जनता को मौका दिया है, आप किस तरीके से उनकी उम्मीदों को? बिल्कुल, मैंने छात्रों को एक ही मुद्दा लेके चुनाव लड़ा है। किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी छात्रों को, और मेरी जीत नहीं है, समस्त छात्र शक्ति को मेरी जीत है, और गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहा, और महाविद्यालय के प्रति मैं यही काम करूंगा जो महाविद्यालय के प्रति वो अनुसार हो, और बाकी के मुद्दे मेरे, ये डॉक्यूमेंट का मेन ही मुद्दा था। बच्चे भटक रहे थे कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार जमा करवाए, कहाँ करवाए, वो खिड़की खुली नहीं, इस प्रकार से लेके मेरा मुद्दा डॉक्यूमेंट का मेन है। सार्थक महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर, जीत का श्रेय मैं मेरी टीम को देना चाहूँगा। मेरी टीम में मेरे कुछ सीनियर्स मेरे साथ लगे रहे, मेरे जूनियर्स मेरे साथ लगे रहे, यहाँ मौजूद मेरा सिर्फ एक जूनियर ही है, मेरी टीम बाहर खड़ी है, मेरा वेट कर रही है। सर, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा पूरा परिवार, सर मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी है, मेरी टीम ने करी है, तो मेरा पूरा श्रेय उनको जाता है। क्या रहेगी आपकी प्रमुखता छात्रों की? सर, कोशिश यही रहेगी कि एक हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट होता है क्वेरीजिया, तो मैं पूरी कोशिश से बस एक ही मेरा वो है कि उसको बहुत इतना अच्छा करा सकूं कि बच्चों को विश्वास हो सके कि हाँ भाई, ये राजस्थान का सबसे टॉप महाविद्यालय है। आप अतुल जीते हैं संयुक्त सचिव पद पर, क्या कहना चाहेंगे, जीत का श्रेय किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था और जनता ने आपको? सर, मैं एक एनसीसी कैडेट हूं और मैंने एक संगठन के रूप में कार्य किया था, और मैं कॉलेज के बच्चों को एक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए, उनके किसी भी कार्य को एक संगठन के रूप में लेकर चलना चाहूँगा, जिससे वो कार्य सफलता से पूर्ण हो सके। इसमें एक संगठन के रूप में सर मैंने चुनाव लड़ा है, और मैं अपने सभी कैडेट्स और सभी छात्राओं को जो मेरे साथ मिलकर इस जीत में मेरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें तय दिल से बधाइयाँ देना चाहूँगा। सर, देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ में महाराजा कॉलेज चुनाव के छात्र संघ के चुनाव के जो विजयी प्रत्याशियों का पैनल है, वो थे। उनका कहना था कि महाराजा कॉलेज की समस्या है, उनको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और अब वो छात्रों के हित के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे और छात्रों की हक की लड़ाई के लिए हमेशा एक साथ मिलकर इस महाराजा कॉलेज में जो है छात्र हितों की बात उठाएंगे। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर।